गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज फैशन यू चेतना। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रक्षाबंधन एंड तीज आउटफिट के आइडियाज। सो बेसिकली अगर आप लोगों के पास आप शॉपिंग नहीं करना चाहते हो और आप घर में ही रक्षाबंधन एंड तीज सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे आउटफिट आइडियाज चाहिए। लाइक आपकी कोई ऐसी ड्रेसेस है जो आपने पहन ली है लेकिन आप उसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से पहनना चाहते हो, या ऐसी कोई ड्रेस है जो आपने नहीं पहनी है बट आप उसका कुछ मॉडिफाई करके आप उसको वेयर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। बिकॉज इस वीडियो में मैंने जितने भी मेरे पास खुद के क्लोथ थे घर पे जिनको मैंने एक बार पहन लिया उनको मैंने रीस्टाइल करके मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो मेक श्योर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। सो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर का ब्लाउज, और इसके साथ में मैं स्टाइल करूंगी मेरी रेड कलर की साड़ी। सो ये बेसिकली गोल्डन कलर का ब्लाउज है, आप लोगों के पास गोल्डन कलर का ब्लाउज इजीली मिल जाएगा। सो गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ में मैंने स्टाइल करी है ये प्लेन जॉर्जेट की रेड कलर की साड़ी। सो गाइज ये पूरी प्लेन है, सिर्फ इसका बॉर्डर है। सो गाइज अगर आपको तीज के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कोई भी प्लेन कलर की साड़ी या रेड कलर की साड़ी जिसका बॉर्डर हो अच्छा खासा, या आपके पास प्लेन कलर की कोई भी साड़ी हो तो उसमें आप अच्छा खासा बॉर्डर लगवा के ये वाली साड़ी इस टाइप से स्टाइल कर सकते हो विद गोल्डन ब्लाउज। तीज के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड अगर आप रक्षाबंधन के लिए स्टाइल करना चाहते हो तो कोई भी कलर ले सकते हो उसके साथ में गोल्डन कलर का ब्लाउज, तो एक बहुत ही अच्छा स्टाइलिश सा आइडिया हो जाएगा। मैं आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे स्टाइल करना है। सो बेसिकली मैंने रेड कलर की ये प्लेन साड़ी के साथ में इस गोल्डन कलर के ब्लाउज को स्टाइल किया, बहुत ही अच्छा लुक आया। एंड ये साड़ी मैंने 3 से 4 साल पहले लोकल मार्केट से खरीदी थी और बहुत ही बजट रेंज की, लाइक 800-600 समथिंग कुछ रेंज की थी। सो इतने अच्छे बजट में आप एक अच्छा सा लुक रेडी कर सकते। सो गाइज अब मैं आपको बताऊंगी कि अभी जैसा कि समर है एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो सब लोगों के साथ होती है, लाइक फ्रिजीनेस होती है, ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ जो कि न्यूड का है। सो सबसे पहले मैं शैम्पू की बात करती हूँ, तो न्यूड की पैकेजिंग वैसे मुझे बहुत ही अच्छी रिसीव हुई है। सो बहुत ही क्यूट पैकेजिंग के साथ में मिलता है एंड ये मिलकर बना है कैरेट सीड से। यू नो गाइज कैरेट सीड इज द पावर हाउस ऑफ द विटामिन अल्फा बीटा गामा, एंड इसके अलावा इसमें होता है कैरेटेंस एंड कैरेटोनॉइड्स जो कि हमारी यूवी रेस से हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है, प्लस जो भी एयर पॉल्यूशन होता है उससे हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है। एंड इसके साथ ही ये ड्यूक्योल्स एंड कैरेटॉल से जो कि हमारे हेयर में जो भी ईचिंग होती है या स्कैल्प में जो भी ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है उसको रिमूव करता है, डेंड्रफ को कम करता है। सो बहुत ही अच्छा शैम्पू है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज। एंड आप इसको जब ट्राई करोगे रेगुलरली तो आपके हेयर में जो भी इन्फेक्शन होगा, लाइक स्कैल्प में जो भी इन्फेक्शन होगा या फ्रिजीनेस होगी, ड्राइनेस होगी, हेयर फॉल होगा, तो उससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसको कम करेगा। मुझे मिला है ये कंडीशनर, सो कंडीशनर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगेन इसमें ड्यूकॉल्स एंड कैरेटॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपकी हेयर इन्फेक्शन में, स्कैल्प में जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करता है, बालों को एक हेल्दी ग्रोथ प्रोवाइड करता है, बालों को हेल्दी बनाता है, जो भी ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस होती है उसको रिमूव करता है। ओवरऑल मैं कहूँ तो आपकी हेयर को एक अच्छा रिपेयर करता है। सो बहुत ही अच्छा है ये शैम्पू एंड कंडीशनर। एंड कंडीशनर की पैकेजिंग के साथ में आपको उनकी ये बुकलेट मिलती है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या कैसे कैसे ये आपकी हेयर को रिपेयर करता है, किस में ये हेल्प करता है, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में ये बुकलेट मिलती है। एंड गाइज इनकी पैकेजिंग बाहर से तो दिखने में क्यूट है ही, एंड अंदर से भी कुछ इस टाइप की बॉटल आपको रिसीव होती है शैम्पू एंड कंडीशनर की, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड डेफिनेटली आप ट्राई कीजिएगा अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है या आपके बालों में फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस है, या आप वॉश करते हो और 2 दिन बाद आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं, तो डेफिनेटली आप ये शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यूज़ कैसे करना मैं आपको यूज़ करके बताऊँ। सो ये शैम्पू जो है वो सूटेबल है ऑल हेयर टाइप के लिए, मैन एंड वुमेन दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से आपको मसाज करते हुए इसे यूज़ करना है, इससे आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम होगी। प्लस ये कॉम्बो होता है विटामिन ए एंड ई का, सो बहुत ही रिच पावर हाउस है कैरेट सीड्स के अंदर जो आपकी हेयर को बहुत ही शाइनी एंड स्मूथ बनाता है। शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर यूज़ करना है और आपको जो हेयर के एंड होते हैं वहाँ पे यूज़ करना है, इससे आपके स्प्लिटेंस कम होंगे। सो हेयर ड्राई होने के बाद आप देख सकते हो मेरे हेयर में कितनी अच्छी शाइन आई है, सो डेफिनेटली आप ये शैम्पू परचेस कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्यूटीफुल सा लहंगा चोली। सो बेसिकली ये मेरी एक साड़ी थी सिल्क की जिसको मैंने एक दो बार पहना और शायद मैं बोर हो गई थी, तो उसका मैंने ये लहंगा चोली बनवाया था एंड इसको मैंने दिवाली पे भी स्टाइल किया था लास्ट ईयर। सो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड तीज के लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है कि आप इस टाइप की आपकी कोई साड़ी हो जिसको आप पहनते पहनते बोर हो गए हो या आपके पहनने का मन नहीं है तो आप इस टाइप से लहंगा चोली बनवा सकते हो। ये लहंगा है एंड इसके साथ में ये ब्लाउज है मैचिंग का, जो पल्लू होता है ना उससे मैंने ये मैचिंग का ब्लाउज बनवा लिया, इसके साथ में ही पूरी साड़ी से ये लहंगा चोली बना लिया है एंड स्टाइल
करूंगी गोल्डन कलर का दुपट्टा। एंड यू नो गाइस, गोल्डन कलर का दुपट्टा बहुत ही ज्यादा कॉमन है, सबके पास मिल जाता है। नहीं हो तो आपको मार्केट में 200-300 की रेंज में मिल जाएगा। सो ये वाला गोल्डन कलर का दुपट्टा मैं इसके साथ में स्टाइल करूंगी। आपकी कोई सी भी साड़ी हो तो आप गोल्डन कलर का या थोड़ा सा स्टाइलिश दुपट्टा स्टाइल कर लोगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा फेस्टिव वाला लुक रेडी हो जाएगा। सो बेसिकली बहुत ही अच्छे बजट रेंज में ये लहंगा चोली रेडी हो गया है मेरे लिए। नेक्स्ट जो मैं आपको आइडिया देने जा रही हूँ बेसिकली वो है ये एक स्कर्ट। एंड ये स्कर्ट मैंने लोकल मार्केट से खरीदी थी अप्रॉक्स 300-400 की रेंज में। आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी की स्कर्ट यूज़ कर सकते हो या फिर आपके पास ऐसी कोई स्कर्ट हो जो थोड़ी सी फेस्टिव वाइब्स देती है, तो मैं इस स्कर्ट को स्टाइल करूंगी मेरे एक पैडेड ब्लाउज के साथ में। सो बेसिकली ये बैकलेस ब्लाउज है पीछे से। एंड आप चाहो तो आपके पास कोई क्रॉप टॉप हो या ऐसा कोई ब्लाउज जिसका थोड़ा सा टॉप टाइप का लुक आता है तो आप उसको स्कर्ट के साथ में स्टाइल कर सकते हो। सो ये मेरा एक ब्लाउज है जो पूरा बैकलेस है एंड थोड़ा सा टॉप वाला लुक देता है, पैडेड ब्लाउज है। सो इसको मैं स्टाइल करूंगी इस स्कर्ट के साथ में। सो स्कर्ट एंड ब्लाउज या क्रॉप टॉप का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है फेस्टिव लुक के हिसाब से। और उस पर अगर आप थोड़ी सी स्टाइलिश ज्वेलरी कैरी कर लेते हो तो आपका बस फेस्टिवल वाला लुक जो है वो रेडी हो जाता है। अगर आपके पास में ऐसी कोई स्कर्ट हो तो आप उसको क्रॉप टॉप के साथ में या फिर ब्लाउज के साथ में इजीली स्टाइल कर सकते हो। एंड अगर आप ब्लाउज के साथ में स्कर्ट को पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कोई दुपट्टा साथ में कैरी कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रक्षाबंधन के लिए बहुत ही अच्छा गुड ऑप्शन है। आप चाहो तो इसके साथ में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड विद मोजड़ी भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये वाला जो प्लाजो पैंट है, थोड़ा सा फ्लेयर्ड है, स्कर्ट की तरह लुक आता है। इसको मैं स्टाइल करूंगी अपने इस ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप के साथ में। बहुत सारे लोग मुझे इस क्रॉप टॉप के लिए पूछते हैं, तो ये बेसिकली सासफ्रास ब्रांड का, ये मैंने मिंत्रा से लिया है। एंड ये वाला क्रॉप टॉप जो है मैं इसके साथ में स्टाइल करूंगी विद ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी के साथ में। सो इसका लुक बहुत ही परफेक्ट आने वाला है। ये वाला लुक है, लुक भी रक्षाबंधन के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इस पर बहुत ही अच्छी सी स्टाइलिश ज्वेलरी वेयर करके, अगर आप बाहर नहीं जाते हो रक्षाबंधन पे, आप घर में ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हो, वैसे तो सभी घर में ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, बट आप जैसे रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाते हो, घर में ही रहते हो, तो ये बहुत ही अच्छा गुड ऑप्शन है। इस टाइप का प्लाजो पैंट या फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ में आप जो है अगेन क्रॉप टॉप स्टाइल कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और थोड़ी सी डिफरेंट लॉन्ग इयरिंग या लॉन्ग नेक पीस वेयर करके आप अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस नेक्स्ट आउटफिट के लिए जो मैं आइडिया देने जा रही हूँ, जैसे कि आपको पता है कि अभी लहरिया का सीजन चल रहा है, सो यहाँ पे मैं लहरिया की साड़ी का आपको एक अच्छा सा ऑप्शन दूंगी। ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से खरीदी थी, अप्रॉक्स 500-600 की रेंज में आपको ये मिल जाएगी। एंड इसका जो मटेरियल वो सॉफ्ट जॉर्जेट जो आता है ना, उस टाइप का मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, वियर करने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। गाइज इसका लहरिया का प्रिंट जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वहां पे बहुत ज्यादा कलर, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन है, तो वहां से आप ले सकते हो। अगर आप वहां से नहीं लेना चाहो तो आप लोकल मार्केट में ट्राई करोगे ना, तो आपको एक से एक बढ़कर बहुत ही अच्छी अच्छी डिजाइन में लहरिया मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप तीज पे या फिर रक्षाबंधन में अगर आप लहरिया पहनोगे तो बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। सो मैं आपको यहाँ पे लहरिया की साड़ी का या लहरिया का सूट का या लहरिया की स्कर्ट का भी आइडिया देना चाहूंगी कि आप लहरिया के आउटफिट भी जो है आप तीज के लिए एंड रक्षाबंधन के लिए स्टाइल कर सकते हो। सो गाइज ये था एक स्मॉल रक्षाबंधन एंड तीज आउटफिट के आइडियाज़ का वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर कोई क्वेरी हो आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हो रिगार्डिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर किए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइज। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।